झारखंड होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन की बोकारो इकाई की बैठक बोकारो सेक्टर 2 के अम्बे गार्डन में हुई। इसमें एसोसिएशन के सभी पदाधिकारी और होमगार्ड के जवान मौजूद रहे। इसमें सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में दायर एसएलपी के खारिज होने पर खुशी जताई गई। साथ ही मुख्यमंत्री से होमगार्ड के जवानों को समान काम समान वेतन देने की मांग की। जो चुनाव पूर्व आपने जो वादे किए थे कि मेरी सरकार बनेगी, मेरे कलम में पावर आएगी, न्यायालय के जितने मामले हैं तमाम लंबित मामलों को मैं निष्पादन करूंगा, परंतु आज 3 से 4 वर्ष हो गए, झारखंड गिरिरक्षकों को न्यायालय पर जीत पर जीत मिलते जा रही है, परंतु गिरिरक्षक को अब तक खाली हाथ देखना पड़ रहा है। लेकिन जिस प्रकार से सर्वोच्च न्यायालय में झारखंड राज्य के गिरिरक्षकों की जीत हुई है, एसएलपी खारिज हुई है, ये बहुत बड़ी जीत है गिरिरक्षकों की और ये सरकार की बहुत बड़ी हार भी। होमगार्ड जवानों की जो मांगे थी जो सुप्रीम कोर्ट से खारिज हुई है, होमगार्ड जवानों की मांगों को लेकर एक डेलीगेशन से वार्ता उनकी माननीय मुख्यमंत्री से करवाई जाएगी, उन्होंने आश्वस्त किया है। और मैं आपको बताना चाहूंगा, माननीय मुख्यमंत्री स्वयं श्री हेमंत सोरेन जी ने चुनाव से पूर्व सौराय भवन में वादा किया था कि मेरी सरकार बनेगी तो मैं होमगार्ड जवानों को समान कार्य का समान वेतन का लाभ दूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कई विभाग के क्रम के लोगों का कल्याण किया, उनकी मांगे पूरी की। अब हमारे होमगार्ड के जवान भी उनके प्रति आशा भरी निगाहों से देख रहे हैं कि जल्द से जल्द हमारी मांगे पूरी करे। जो चुनाव पूर्व आपने जो लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।